नमस्कार, वक्त हो गया है 5W1H का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि, मतलब खबर बताएंगे हर एक डिटेल के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में विभागों का ऐलान कर दिया गया है। पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए अमित शाह और एस जे शंकर को अहम मंत्रालय दिए गए। नई मोदी सरकार का पहला दिन, मंत्रियों को विभाग बांटे गए। मोदी सरकार में एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया। आज अमित शाह को गृह मंत्री का प्रभार दिया गया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, पीयूष गोयल रेल मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी। नई सरकार में पीएम मोदी के अलावा 57 मंत्रियों ने शपथ ली। नई सरकार में 24 कैबिनेट, 24 राज्य मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी बांट दी गई है। पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए अमित शाह और एस जयशंकर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है, जबकि एस जयशंकर को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का प्रभार मिला है। पीयूष गोयल पहले की तरह रेल मंत्री बने रहेंगे। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय, नरेंद्र तोमर को कृषि मंत्रालय, रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक को एचआरडी मंत्रालय, सदानंद गौड़ा को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, प्रकाश जावड़ेकर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास के साथ कपड़ा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को पहले की तरह पेट्रोलियम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, जबकि किरण रिजिजू को खेल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कार्मिक, जन शिकायत, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय अपने पास रखा है। जिम्मेदारी मिलने के बाद कई मंत्रियों ने आज ही पदभार संभाल लिया है। मंत्रियों को उनके समर्थक बधाई दे रहे हैं। पिछली सरकार के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने असंगठित मजदूरों के बारे में बहुत बड़े फैसले लिए थे और उनको हम लोगों ने शुरुआत करवाई थी। अब इस लोकसभा के कार्यकाल में उसको एक मूर्त रूप देकर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन द लास्ट 5 years टेकन सेवरल इनिशिएशंस आइदर इन फर्टिलाइजर्स और इन केमिकल्स। आई थिंक दैट वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। नितिन जी ने बड़े ऊंचे मापदंड रखे हैं और उन्हीं मापदंडों को लेकर आगे और उसके अंदर गति लाने का प्रयास करेंगे। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद आज शाम मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। निगाहें इसलिए भी इस पर लगी हैं क्योंकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की पहली कैबिनेट की बैठक में काले धन को लेकर एसआईटी का गठन करने का फैसला लिया गया था। ऐसे में क्या इस बार भी कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मोदी कैबिनेट की बैठक में संसद सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज शाम 5:30 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट बैठक में सरकार के 100 दिन के एक्शन प्लान पर चर्चा संभव। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत 6 से 15 जून तक होने की संभावना। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक होगी। शाम 5 बजे होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा हो सकती है। बैठक में नई लोकसभा के पहले सत्र की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। आज जो है वो ये 5 साल जो है वो तमाम तरह की जो काम अधूरे थे उसे भी पूरा करना है। अब 5 साल में मोदी जी ने इतना ज्यादा किया है और उन्होंने बड़ा लक्ष्य भारत के लिए रखा है, भारत को नया इंडिया डिलीवर करना है, तो और ज्यादा उत्साह और ज्यादा ईमानदारी के साथ और ज्यादा गहराई और सच्चाई और सात्विक भाव से जो है उनके सपने को साकार करने के लिए काम करना, यही भाव है मन में। कैबिनेट की बैठक से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में इस बार नए चेहरों पर भी भरोसा जताया है। पिछले मंत्रिमंडल में अहम पदों पर रहे कई मंत्रियों को इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। नई मोदी सरकार में 57 मंत्रियों में से 19 नए चेहरे शामिल। पिछली सरकार के 40 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई।
कल कैबिनेट में मेनका गांधी, सुषमा स्वराज, सुरेश प्रभु, राज्यवर्धन को जगह नहीं मिली। पहली बार एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी, किशन रेड्डी को मौका मिला। नए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश। अर्जुन मुंडा, प्रताप चंद्र सारंगी, देवाश्री चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल। मोदी सरकार ने अपनी पिछली सरकार के मंत्रिमंडल के मुकाबले इस मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह दी है। शिवसेना नेता अरविंद सावंत, पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वहीं मेनका गांधी, जेपी नड्डा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुषमा स्वराज जैसे बड़े चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। जो जिम्मेवारी हम पे सौंपी है उसको मैं बहुत ही परिश्रम के साथ, निष्ठा के साथ, उनकी आशा और अपेक्षाओं के साथ मैं करूंगा और भरसक प्रयत्न ही नहीं करूंगा, मैं परिश्रम की प्रकाष्ठा ला दूंगा, लेकिन उनकी आशाओं पर मैं खड़ा उतरूंगा। यदि मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर इस बात के लिए भरोसा किया है तो उनके भरोसे को मैं और पुख्ता करूंगा। आज का दिन तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं और दुनिया में जिनकी साख है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अमित जी, जिनके कारण मुझे अवसर मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने एक किसान के बेटे के ऊपर विश्वास किया और ये कृषि प्रधान देश है और इसके अंदर काम करने का सुअवसर प्रदान हुआ है। मोदी मंत्रिमंडल में सम्मानजनक जगह नहीं मिलने से नाराज जेडीयू का दर्द सबके सामने आखिर आ ही गया। मंत्रिमंडल से शुरू हुई नाराजगी बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान बढ़ा सकती है। शपथ के बाद जेडीयू का दर्द छलका, सीटों के हिसाब से भागीदारी नहीं हुई। नीतीश कुमार ने कहा मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मंजूर नहीं था। कल मोदी सरकार की शपथ में शामिल नहीं हुए सीएम नीतीश कुमार। नीतीश ने कहा हमने मंत्री पद नहीं मांगा, बीजेपी सिर्फ एक मंत्री बनाने के लिए तैयार थी। मोदी सरकार में जेडीयू और अपना दल का एक भी मंत्री शामिल नहीं। जेडीयू का तर्क सम्मानजनक ऑफर चाहते थे, गठबंधन से अलग नहीं होंगे। मोदी सरकार की शपथ में शामिल नहीं होने वाले नीतीश कुमार का दर्द सामने आ गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी को मोदी सरकार में सांकेतिक प्रतिनिधित्व मंजूर नहीं था। नीतीश ने कहा मंत्रिमंडल में सांकेतिक नहीं, सीटों के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए। वहीं जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि सम्मानजनक ऑफर नहीं मिलने की वजह से ही उनकी पार्टी मंत्रिमंडल से बाहर रही है। प्रोपोर्शन तो उनको डिसाइड करना था, क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए था, बिहार का प्रोपोर्शन या देश का प्रोपोर्शन, वो जो भी डिसाइड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमने कहा कि नहीं हमको इतना चाहिए, हमने एक शब्द भी नहीं कहा और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। बीजेपी अपनी सहयोगी साथियों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहती थी, जनता दल यूथी उससे असहमत थी। वहीं बंगाल में बीजेपी की बढ़ती सियासी जमीन से ममता बनर्जी का गुस्सा भी इतना बढ़ता जा रहा है कि बंगाल में भगवा क्या लहराया, ममता बनर्जी को श्रीराम के नारों से ही डर लगने लगा। जय श्री राम के नारे सुनकर फिर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आज बंगाल पुलिस ने नारे लगाने वाले 8 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा। ममता बनर्जी ने कहा नारे लगाने वाले बाहरी लोग, दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगी। गुस्साई ममता बनर्जी ने खाल उधेड़ने तक की धमकी दे डाली। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद आज टीएमसी की कोर कमेटी ने बैठक की। ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगाने के मामले में 8 लोगों से पूछताछ की गई। कल ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे सुनकर फिर आपा खो दिया। गुरुवार को उत्तरी 24 परगना से ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए। नारे सुनते ही गुस्से में लाल ममता बनर्जी ने गाड़ी से उतरकर लोगों को धमकी दे डाली। एक
बीजेपी ने कहा है कि ममता अंग्रेजों की तरह शासन चलाना चाहती है। ममता बनर्जी एक पागल हो गया। ममता बनर्जी का इडलरी शासन जैसे चल रहा है ना, जैसे चले ब्रिटिश साम्राज्य में जैसे चलता था कि चलो हम तुमको खाने देंगे लेकिन तुम ब्रिटिश का साम्राज्य का ब्रिटिश का जितने सारे लॉर्ड ब्रिटिश का नाम करो स्वाधीनता नहीं देंगे। तो ममता बनर्जी ऐसे पागल जैसे हो गया, पागल जैसे लड़की हो गया। देखिए ये अनफॉर्चुनेट है जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र और संवैधानिक मान्यताओं और मूल्यों की धज्जियां उड़ाने वाला है और उसका खमियाजा तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता को भुगतना पड़ रहा है। जनता जिस तरह से उनको रिजेक्ट कर रही है, आगे आने वाले दिनों में इसका सबक मिलेगा उनको। इससे पहले भी ममता बनर्जी का गुस्सा इस तरह का रूप सामने आया था जब चुनाव के दौरान उनके काफिले के आगे जय श्री राम के नारे लगाए गए थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। हमला हुआ है सीआरपीएफ कैंप पर, आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया है, ग्रेनेड फेंके गए हैं। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर भी लिया है, फायरिंग जारी है वहां पर। आतंकी हमले में किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, ये गनीमत की बात है। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के त्राल में ये हमला हुआ है। वहीं घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन यानी ऑपरेशन ऑल आउट जारी। सेना ने आज फिर 3 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी, सेना ने 3 आतंकियों को मारा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। आज सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को एक घर में घेरा। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का पैराट्रूपर घायल। घाटी में आतंकियों के सफाये के लिए सेना का अभियान जारी। मारे गए आतंकियों से हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। करीब 9 घंटे चले शोपियां एनकाउंटर में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए 3 आतंकियों की पहचान कर ली गई है। इलाके में अब भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं।